जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। अब हम लोग आज एडवर्ब के पार्ट 3 पे चलेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को रेगुलर वीडियोस नहीं प्रोवाइड होती हैं, क्या करें, बहुत सारे काम की व्यस्तता रहती है। बहरहाल इन सब बातों पे नहीं चलते हैं, और आपको सारी वीडियोज़ प्रोवाइड हो रही हैं, GS की भी बहुत सारी वीडियोज़ प्रोवाइड हो रही हैं। साथ ही साथ मैं इधर OCAPS के वीडियो फिर से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि एक्चुअल में सारे काम खुद करने रहते हैं, इसीलिए होता क्या ना कि कभी ये वाला वीडियो पढ़ पाता है, कभी ये वाला वीडियो। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बस कभी 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 ये वाला वीडियो, कभी वाला वीडियो, मतलब सारी चीज़ें पढ़ ही रहेंगी। ठीक है, तो एडवर्ब की मैंने दो पार्ट को कवर कर दिया, जिसमें मैंने बेसिक एडवर्ब के बारे में बताया और साथ ही साथ उसके यूजेस भी बताएं कैसे उसको करना है। आज हम लोग पार्ट 3 पे चलेंगे, और इसमें अब रूल्स की शुरुआत हो गई है। अब आपके पेपर के क्वेश्चन को लेकर हम लोग बात करने चलेंगे, तो आज के रूल्स पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कब? जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा तब। चलिए, तो आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इनफ, और क्या पढ़ेंगे, क्वाइट। ठीक है, इनफ और क्वाइट के अंतर को आप समझिए, और साथ ही साथ इनफ का कैसे कैसे यूज होता है वो देखेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पे चीज़ें लिख के आ रही होंगी। इनफ और क्वाइट दोनों का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त मतलब काफ़ी। अब देखिए, बात जब आप इनफ की करेंगे तो इनफ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानिए। इनफ के बाद अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो इनफ के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। ठीक है, इनफ के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। अगर हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा हो तो एडजेक्टिव का यूज़ हम करेंगे इनफ के पहले। ये दो बातें आपको जानना ज़रूरी है कि अगर नाउन की बात करेंगे तो इनफ के बाद लगेगा, अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो इनफ के पहले लगेगा। आइए मैं इनको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल आपके पास से आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। दूसरा एग्जाम्पल है फैन मूव्स इनफ फास्ट, समझते जाइएगा। तीसरा एग्जाम्पल है आई हैव इनफ मनी। चौथा एग्जाम्पल है आई हैव चेयर इनफ। समझ पा रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन करेक्ट बोला, एक क्वेश्चन गलत बोला है। ठीक है, करेक्ट और गलत के बीच में लड़ाई। तो आपने क्या पढ़ा कि जब हमें एडजेक्टिव लिखना होगा तो इनफ के पहले लिखेंगे, जब हमें नाउन लिखना होगा तो हम इनफ के बाद लिखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल आपका चल रहा है वो चल रहा है एडजेक्टिव वाला। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। दूसरा लिखा है फैन मूव्स इनफ फास्ट, गलत, क्योंकि फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, इनफ के पहले लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे। और आगे चलते हैं नाउन वाले एरर में। आई हैव इनफ मनी एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि इनफ के बाद नाउन का यूज होगा। आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा था आई हैव इनफ, लिखा था आपने आई हैव चेयर इनफ, तो लाइन गलत हो गई, क्योंकि इनफ के बाद नाउन का यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है गलती। उम्मीद करता हूँ इनफ का ये रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वाइट की तरफ। तो देखिए, क्वाइट का मतलब भी होता है पर्याप्त। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें हैं, वो आप समझते हैं। देखिए, क्वाइट की जब आप बात करते हैं तो क्वाइट के साथ कुछ बातें आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाइट के साथ क्या लगता है या क्या नहीं लगता है। तो देखिए, क्वाइट के साथ अगर आप ऑल शब्द का यूज करेंगे तो गलत हो जाएंगे, साथ ही साथ अगर आपने ऑलमोस्ट शब्द का यूज किया क्वाइट के साथ तब भी आप गलत हो जाएंगे, और अगर क्वाइट के पहले एडवर्ब का यूज हो रहा है तब भी आप गलत हो जा रहे हैं। तो तीन बातें याद रहे, ऑलमोस्ट, ऑल और एडवर्ब, जैसा कुछ भी यूज होगा तो गलत हो जाएगा। क्या सर, जैसे इनफ में पहले एडजेक्टिव बाद में नाउन, ऐसा कुछ है तो इसमें भी कुछ है? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्वाइट के बाद आपको क्या करना है, आप क्वाइट के बाद एडजेक्टिव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल आई एम क्वाइट हैप्पी, सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आई एम क्वाइट एग्री विथ यू, ठीक है, मैं तुमसे पर्याप्त रूप से सहमत हूँ, ये भी सही लिखा है। तो तीसरा जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ उसको आप बताइएगा, ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट अलोन, सही या गलत? गलत है। आप कहेंगे सर अभी आपने बोला है कि इसके साथ कोई भी एडवर्ब लगाना गलत माना जाता है, अगर आप ये भी बोलते ही इज क्वाइट ऑल राइट, गलत, क्वाइट के साथ ऑल का यूज गलत। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाइट और इनफ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, टू मच और मच टू, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों से बोलते मिले होंगे, यू आर टू मच गुड,
बोला कि नहीं? आपने भी कई बार बोला होगा यू आर टू मच गुड। तो आपको पता है कि आप जो ये टू मच गुड बोल रहे हैं, क्या ये सही है? आपके बोलने के अकॉर्डिंग तो एकदम सही है, लेकिन अगर इसे ग्रामर के लिए नज़रिए से देखेंगे तो एकदम गलत है, क्योंकि टू मच के बाद नाउन आता है, ना कि एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, जब टू मच की बात होगी तो आप नाउन लगाएंगे उसके बाद, जब मच टू की बात होगी तो एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है ही गिव्स मी टू मच पेन, और दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही गिव्स मी टू मच पेंसिल। तो अब बताइएगा इन दोनों में क्या सही है? तो आप कहेंगे सर कि ये जो टू मच लिखा है, टू मच के बाद क्या लगना चाहिए? नाउन लगना चाहिए। टू मच के बाद क्या लगना चाहिए? नाउन लगना चाहिए। तो ये आपने एकदम सही लिखा हुआ है। अब इस बात को ध्यान रखिए, मैं एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, शायद आपको इस बात को काफ़ी कुछ क्लियर रहे। जैसे लिखा हुआ है आई, ठीक है, आई गिव हिम, देखिए आपके सामने लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आई गिव हिम, एक मैं लिखता हूँ मच टू पेन। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आई गिव हिम मच टू पेन। तो आप क्या कहेंगे कि पेन देखिए सर एक नाउन है, पेन एक नाउन है, तो नाउन के पहले जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो टू मच आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। आना क्या चाहिए वहाँ पे? वहाँ आना चाहिए टू मच। आपका क्वेश्चन देखिएगा, टू मच लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर फाइंड करना पड़ेगा कि मच टू नहीं आ सकता सर। अब याद रखिए, उस पेन को आप एडजेक्टिव बनाने नहीं जाएंगे, उस पेन को जो नाउन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ मच टू टू मच में चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो मच टू लिखा हुआ है तो वो गलत हो गया, वहाँ क्या होना चाहिए? टू मच, ठीक है, वहाँ क्या कर देंगे? टू मच। चलिए उम्मीद करता हूँ कि टू मच के नाउन वाले पोर्शन को आप समझ पाए होंगे। आइए अब चलते हैं मच टू के साथ, ठीक है? देखिए मच टू के बाद क्या लगेगा? हमेशा एडजेक्टिव। मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव, यू आर मच टू गुड। बोलते हुए नहीं सही लग रहा ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइनें ही यही हैं ग्रामर के कि आपको ऐसे ही समझना है। दो एग्जाम्पल देता हूँ, लिखा हुआ दिस वॉज मच टू पेनफुल, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखा आई एम मच टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। तो आप कहेंगे सर दोनों का दोनों एग्जाम्पल एकदम सही है, क्योंकि पेनफुल जो लिखा है वो क्या लिखा है? एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और आपके पहले का स्ट्रक्चर मच टू लिखा है। अगर वहीं पे टू मच लिखा होता तो उस टू मच को सही करना पड़ता और बनाना पड़ता मच टू, ठीक है? और दूसरा एग्जाम्पल भी एकदम सही, केयरफुल आपको पता है कि एडजेक्टिव है, उसके पहले लिखा है मच टू, और मच टू के साथ एडजेक्टिव चलता भी है, ठीक है? तो पूरा का पूरा आपका ये पोर्शन सही है। चलिए अब बात करते हैं हार्ड और हार्डली का। तो हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है वो देखिएगा। जब आप हार्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है। कैसे कैसे हम समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है? जब किसी नाउन की विशेषता बताएगा हार्ड, तो वो बनेगा आपका क्या? एडजेक्टिव बनेगा। जब किसी नाउन की विशेषता बनाएगा तो एडजेक्टिव बनेगा, और जब किसी वर्ब की विशेषता बताएगा तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो ध्यान रहे, हार्ड क्या है? एडजेक्टिव भी है और क्या है? एडवर्ब भी है, ठीक है? तो आइए एग्जाम्पल की तरफ। जब एडजेक्टिव रहता है तब इसकी मीनिंग दृढ़ या फिर कठोर रहता है। क्या? जब एडजेक्टिव रहता है तो इसकी मीनिंग दृढ़ या फिर कठोर रहता है। दो एग्जाम्पल से देखिएगा, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस सरफेस इज हार्ड, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। तो हार्ड देखिए कहाँ लगा है? नाउन के पहले लगा, क्वेश्चन के पहले लगा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस सरफेस इज हार्ड, तो सरफेस की विशेषता क्या है? हार्ड है। तो समझिएगा ये क्या था, ये एक एडजेक्टिव के रूप में था। अब एडवर्ब के रूप में कैसे इसका यूज होगा हार्ड का ही, देखिए लिखा हुआ सी वर्कड हार्ड एंड पास द एग्जाम। सेकेंड एग्जाम्पल, दे ट्राइड वेरी हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्जाम। तो इसमें क्या है हार्ड? यहाँ पे हार्ड है एडवर्ब, और एडवर्ब में जब रहता है तो इसकी मीनिंग रहती है कठिन प्रयास करना या अधिक बल लगाना, ठीक है? तो हार्ड ही एडजेक्टिव और हार्ड ही एडवर्ब। तो ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे सी वर्कड हार्ड, तो आपने क्या किया है? वर्ब के बाद लगाया है, किसको? हार्ड को। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ ये एडवर्ब है। सेकेंड में भी आप देखेंगे दे ट्राइड वेरी हार्ड, तो ये हार्ड क्या है? एडवर्ब है। समझ में आए एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है?
अब आखिरी नियम इसी का हार्डली जो बनता है। देखिए हार्डली वो एक तरीके से एडवर्ब है ही, और देखिए इसका मतलब होता है मुश्किल से नहीं या मुश्किल से या फिर शायद। अधिकतर आप हार्डली को देखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आ जाता है, आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। हार्डली के एग्जाम्पल को देखते हैं, आपने मीनिंग समझा कि शायद या मुश्किल से नहीं या मुश्किल से होता है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जाम्पल है, सी हार्डली वर्क्स। लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव हार्डली कम हियर। तो आप तीनों के तीनों में देखेंगे तो आपको जब टेंस मैं पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट में मैंने टेंस अपनी वीडियोस में पढ़ा दिया है, आप अगर टेंस की वीडियोस देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके या प्ले लिस्ट में आप जाके टेंस खोज के पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने बेहतरीन एक्सप्लेन किया है कि हार्डली का प्लेस कहाँ है, ठीक है, इसको किस जगह पर एग्जैक्ट में यूज़ करते हैं, तो उसको मैं यहाँ डिफाइन करने नहीं जा रहा हूँ। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए टेंस के बारे में। तो ये सारे यूजेस थे आपके सामने हार्ड और हार्डली के, ठीक है। तो आपने आज की वीडियो में क्या सीखा, इनफ के बारे में, क्वाइट के बारे में, टू मच के बारे में, मच टू के बारे में, हार्ड और हार्डली के बारे में। तो कंप्लीट नॉलेज आप तक पहुंच गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट है, काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एडवर्ब के।